हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग को पढ़ने एक्सरसाइज 3.2 का, हमारे क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं और इसके पहले का नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप सबसे पहले जाएँ लिंक पर और पिछला जो क्वेश्चन है सब पिछले चैप्टर का या इस चैप्टर का पहले उसका अध्ययन करें, तब जा कर के क्लियर हो पाएगा। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इजी है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक आयताकार बाग, आयताकार मतलब समझ रहे हैं ना, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है। यह आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है। अच्छा, मान लिया जाए चौड़ाई x तो लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 4, क्योंकि यही ना इससे अधिक है, यही ना इससे अधिक है। अगर लंबाई अधिक है तो चौड़ाई, लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है, तो चौड़ाई को हमने, अगर लंबाई को सॉरी x मानते तो हम चौड़ाई को क्या करते, x माइनस 4 करते, लेकिन अगर चौड़ाई को x माने तो लंबाई को x प्लस 4 करेंगे। इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। इसका अर्ध परिमाप दिया है कितना, 36 मीटर। तो बाघ की विमाएं ज्ञात करें, विमाएं का मतलब इसका क्या ज्ञात करें, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। एक आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होती है, तो यही ज्ञात करना है। विमा का मतलब लंबाई और इसका चौड़ाई। एक पहले, सबसे पहले तो मान लेंगे, माना कि आयताकार बाघ की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4। अच्छा, चूंकि अर्ध, अच्छा आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा इसका, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा करेंगे तो बटा में क्या कर देंगे, 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। यही ना सूत्र होगा अर्ध परिमाप का, आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में दिया गया है आयत का अर्ध परिमाप दिया गया है, क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 36 मीटर, 36 मीटर ही ना दिया गया है। हाँ, बाकी बीमारी याद करनी है। देखिए, आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर इसका हो जाएगा 36 मीटर। लंबाई इसका कितना है, हम लोग कितना आया है, 1 + 4 आया है ना, और चौड़ाई इसका कितना हम लोगों ने माना था, x माना था, बराबर क्या हो जाएगा, 36। 1x 2x + 4 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 36, यानी 2x बराबर 36 और प्लस 4 इधर आएगा तो -4, यानी 2x बराबर 36 में से 4 गया तो 32, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 32/2, 32/2 हो जाएगा, यानी कट जाएगा कितना बार में, 16 बार में, 16 मीटर हमारा निकल गया, क्या चौड़ाई निकल गया। अतः चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 16 मीटर। बीमा में हम लोग का बीमा जो निकालना था उसमें चौड़ाई लंबाई दोनों होता है आयत में, तो दोनों निकालेंगे तथा लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4, यानी 16 + 4 बराबर 20 मीटर, यानी हमारी विमाएँ कितनी निकल गई, 16 मीटर और 20 मीटर, यानी चौड़ाई इसका 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ, इसको देख लीजिएगा उसके बाद इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। चलिए, छठा क्वेश्चन जो है हम लोग का, कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और
और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप जैसा कि 1, 2, 3 दिया गया है कि प्रतिच्छेदकर्ती रेखाएं हो, समानांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। इसी के प्रकार इसी प्रकार का है, एक और रैखिक समीकरण लिखना है तीनों का कि एक में क्या हो, प्रतिच्छेदकर्ती रेखाएं हो। आप लोगों को पता है कि प्रतिच्छेदकर्ती रेखाओं का मतलब क्या होता है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के। इसमें कोई बराबर नहीं हो, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो आइए, जब a1/a2 बराबर नहीं करना है b1/b2 के तो क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन में 2x में अगर इसमें 2 से अगर गुना कर रहे हैं, मान लीजिए हम 2 से गुना करके लिख दिए 4x, तो इसमें कर दीजिएगा 3 से, किससे कर दीजिएगा 3। ऐसा नहीं हो कि बराबर हो जाए, अगर 2 से दोनों में कर देंगे तब तो बराबर हो जाएगा। इसमें कर दिए हम 2 से, और चलिए इसमें कर देते हैं 3 से, और इसमें कर देते हैं 4 से, बराबर 0। इसमें हमने गुना किससे कर दिया, 2 × 4x, इसमें 3 से, 3 × 3 = 9y, और इसमें 4 × 8 = 32। अब क्या होगा कि अब इसको a1/a2 कीजिएगा तो 1/2 होगा, और यह 1/3 होगा, यह 1/4 होगा। तो इससे हमारा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तभी जाकर के ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। अगर बराबर हो गया तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं नहीं होंगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन है समानांतर रेखाएं, तो समानांतर रेखाएं के लिए याद कीजिए क्या था, समानांतर रेखाएं के लिए था कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के। यानी सबसे पहले हमें बराबर चाहिए और बाद वाला बराबर नहीं चाहिए। तो बराबर चाहिए तो 2x में अगर 2 से गुणा कर दिए तो 4x हुआ, और प्लस 3 में भी 2 से करेंगे तो 6y होगा। अब 2 से इसमें भी किया है 4x हुआ, इसमें भी 2 से किया है 6y हुआ। अब देखिए 2/4 कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, 3/6 कीजिएगा तब भी 1/2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें चलिए 3 से कर दिया जाए, 8 × 3 = 24। अब 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1/3, और जब 1/3 होगा तो a1/a2 बराबर, और जरूरी नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं वही आप लोग भी लिखेंगे, आप 5-5 से भी गुना करके लिख सकते हैं, 50-50 से भी गुना करके लिख सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। बस हम एक ठो लिख रहे हैं, एक ठो बता रहे हैं कि अगर 2 से दोनों में 2-2 से गुना किए तो इसमें कर दिए 3 से, क्योंकि अब ये a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तब जाकर के समानांतर रेखाएं होगी। संपाती रेखाएं कब होती है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के, यानी तीनों जब बराबर होते हैं तब जाकर संपाती रेखाएं होती है। तो संपाती रेखाएं के लिए तीनों में बराबर से गुणा करना होगा, यानी 2 × 2 अगर 4x करते हैं तो प्लस 3 × 6y करेंगे, और −8 × 16 = 0, 2 × 4, 3 × 6, 8 × 16। अब जाकर के क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x − y = 0, यहाँ पे देख रहे हैं x − y = 0 और 3x + 2y − 12 = 0। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, का ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ खींचे, उसके बाद आगे का टेंशन लिया जाएगा। सबसे पहले आइए इसके ग्राफ खींचते हैं हम लोग। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले इसको सोल्व करना होगा, इसको मानना होगा समीकरण हम लोग को 1 और इसको मानना होगा समीकरण 2। तो बारी बारी से दोनों का मान निकालना होगा समीकरण 1 से। एक है हमारा x − y = 0, या x − y इधर आएगा तो क्या होगा +y, और +1 इधर आएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पहले मान इसका रख लेते हैं बारी बारी से। y का मान रखा जाए, चलिए हम y का मान रख रहे हैं, क्या रखा जाए, 1 रखा जाए, y का मान 1, तो 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। y का मान चलिए 2 रख लेते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से 2 है हमारा 3x + 2y − 12 = 0, या 3x = −12 इधर आएगा तो +12, और +2y इधर आएगा तो −2y, इसलिए x बराबर हो जाएगा 12 − 2y और √3 हो जाएगा, है ना, बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप तैयार कर लिए जाए इसके लिए।
यहाँ पे x और यहाँ पे y। अगर y बराबर 3 रखा जाए, y बराबर क्या रखा जाए 3 रखा जाए, तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 12 और माइनस 2 गुने 3 बटा क्या हो जाएगा 3, यानी 12 माइनस 3 गुना 6, 12 में 6 गया तो 6 बटा 3 भाग लग जाएगा कितना बार में, दो बार में। हमने क्या रखा है, y का मान क्या रखा है 3, तो x का मान कितना निकल के आया 2। चलिए वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इसका मान रख रहे हैं 6, क्या रख रहे हैं 6, y बराबर अगर 6 रख दिया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना 6 बटा 3, यानी 12 माइनस 2 छक 12, 12 में से 12 गया तो 0 बटा 3, 0 में 3 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करें, आराम से ग्राफ खींच ले। चलिए हम लोग का ये दोनों इक्वेशन का रेडी हो गया है, आइए अब ग्राफ खींचने का काम करें। यहाँ पे हमारा x, यहाँ पे x डैश, y और y डैश। x में हाईएस्ट कितना है 1 है और y में हाईएस्ट कितना है 6 है। तो पहले चलिए पहले हम लोग लेके चले x में, चलते हैं यहाँ पे 0 हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, इससे ज़्यादा की x में आवश्यकता भी नहीं है, बस 2 तक ही चाहिए। x डैश में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 आगे बढ़ते जाएगा। y डैश में भी वैसे ही माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। y में चला जाए, y में थोड़ा अधिक की आवश्यकता पड़ेगी, ये 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, है ना। चलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x में 0 और y में 1, x में 0 और y में 1, यहां होगा x में 0 और y में 1, ठीक है, x में 0 और y में 1। अब चलिए x में 1 और y में क्या है 2, x में 1 और y में 2, यहां पे x में 1 और y में 2, हम लोग क्या करें इसको मिला दिए, है ना, इसको मिला दिए। चलिए अब चलते हैं इसमें, x में 2 और y में 3, x में 2 यहां पे और y में 3 यहां पे आएगा, x में 2 और y में 3 आएगा ना जी। चलिए x में 2 2 के ऊपर और y में 3 पे, और x में 0 y में 6, x में 0 और y में 6, y में 6 और x में 0 यहीं पे हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 0 और 6। आइए अब इसको भी हम लोग क्या करें मिला दें। ठीक है मिला दिए, अब सबसे पहले अब इसको ध्यान से आप लोग एक बार देख लें। यहां पे अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्राफ खींचने के बाद बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष से रिलेटेड जो शीर्ष है, यहां पे देखिए त्रिभुज जो बना हुआ है, यहां पे कैसे त्रिभुज बना हुआ है, एक शीर्ष हमारा यह है, एक शीर्ष हमारा यह है और एक शीर्ष हमारा यह है। तो हम चलिए इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सबसे पहले हमारा त्रिभुज का निर्देशांक हो जाएगा क्या, ए का निर्देशांक हमारा हो रहा है एक्स में माइनस एक और वाई में क्या जीरो, वाई में क्या हो जाएगा ये जीरो, इसी अक्ष पे है। अच्छा चलिए बी का हमारा निर्देशांक हो जा रहा है एक्स में 4 और y में 0, और c का हमारा निर्देशांक हो जा रहा है
एक्स में दो, ये है ना सी, एक्स में दो और वाई में तीन, एक्स में दो और वाई में तीन, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज का तीनों का निर्देशांक हो गया। ए एक्स में माइनस एक, यही ना त्रिभुज हमारा बन रहा है, और वाई में जीरो। बी एक्स में चार और वाई में जीरो। सी एक्स में ये दो के ऊपर और तीन के सामने। आइए इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर दे, लोग अपने अपने तरीके से इसको छायांकित कर दीजिएगा। क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्रेम से बनाइए। ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया और देखिए इसको। अब चलिए एक्सरसाइज 3.3 के तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल पढ़ना है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापित करके बनाएंगे। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। जैसे देखिए ना, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ दे कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, तो मान निकाल, तो दिमाग से सोच लीजिए, कैसे सोचिएगा कि 6 8 14, फिर 10 4 14, 9 5 14, ओ 9 5 14 और 9 में से 5 गया तो 4, 9 5 14 और 9 में से 5 गया तो 4, यानी x का मान 9 और y का मान 5, 9 5 14, 9 में से 5 गया तो 4। लेकिन हम लोग को ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देना है x बराबर 9 और y बराबर 5, ऐसे नहीं लिखना है, हम लोग को इसको सोल्व करके लिखना है कि x बराबर 9 और y बराबर कितना 5, है ना। तब ना 9 5 14 और 9 में से 5 गया तो 4 होगा, है ना। चलिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। ये मान लेंगे इसको समीकरण एक और ये हमारा हो जाएगा समीकरण दो। हम लोग चल रहे हैं पढ़ने प्रतिस्थापन विधि। हमारा एक्सरसाइज जो 3.3 है वो किस विधि पे पढ़ना है, इसको प्रतिस्थापन विधि पे हल करना है। इसका एक का पहला क्वेश्चन देखिए, देखिएगा लेंगे समीकरण एक। समीकरण एक से ध्यान दीजिएगा, शुरू से ही ध्यान दीजिएगा इस पे। समीकरण एक से अभी सीख लीजिए, जीवन मरते दम तक याद रखिएगा, जीवन भर याद रहेगा। समीकरण एक से, समीकरण एक है हमारा एक्स जोड़ वाई बराबर 14, यानी एक्स बराबर 14 और प्लस वाई इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस वाई। इसमें मकसद हमारा बस यही होता है कि एक्स को एक तरफ कर देना और इधर से बाकी सबको एक साइड कर देना, ये हो जाएगा हमारा समीकरण। इसको 3 मान लीजिएगा, ठीक है। एक दो जैसे एक्स अलग होगा, बाकी सब इसके दाहिने साइड चला गया, हमारा ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए एक्स का मान, एक्स का जो मान है इसका अगर एक लिए हैं तो इस एक्स के मान को 2 में प्रतिस्थापित कीजिएगा। अगर आप समीकरण 2 पहले ही लेते तो इस एक्स के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते। प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है उसमें रखना। एक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। पूछिएगा सर क्यों लिख रहे हैं प्रतिस्थापित, तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कर रहे हैं हल, इसलिए लिख रहे हैं प्रतिस्थापित करने पर। रखने पर भी लिख देते तो कोई परेशानी नहीं थी, बात वही है। कैसे होगा प्रतिस्थापित समीकरण 2 में, समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर क्या है 4, तो x के जगह पर हम लोग लिखेंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस हमारा समीकरण है क्या x माइनस वाई बराबर 4 है ही ना, है यानी x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई, क्योंकि हमारा समीकरण 3 में प्राप्त हुआ है x बराबर 14 माइनस वाई प्राप्त हुआ है, और माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4। x की जगह पर हमने 14 माइनस वाई क्यों लिखा, क्योंकि x बराबर 14 माइनस वाई है। माइनस वाई, और फिर माइनस वाई कहाँ से आया, तो यह वाला माइनस वाई यहाँ आया है। माइनस एक वाई कितना वाई, माइनस दो वाई बराबर 4, और प्लस 14 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 14 होगा, यानी माइनस दो वाई बराबर 4 में से 14 गया तो होगा माइनस 10 होगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस आप चाहे तो कटा सकते हैं, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर 10 और बटा हो जाएगा 2, 10 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया, हम लोग तो मुझे बानी ही निकाल चुके थे। y का मान 5 और x का मान 14, 9 5 14 और 9 में से 5 गया तो
चार। अब इस वाई के मान को क्या कीजिएगा, एक्स का मान अब निकालना है हम लोग को, वाई का मान समीकरण तीन में रख देने से आसानी से निकल जाएगा। तीन में रखने पर, तीन में रखिए, आइए तीन में रखा जाए, तीन है हमारा x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14 और माइनस y का मान हम लोग का क्या प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है, तो 14 में से 5 गया तो 9 हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि से कितना आसान है हल करना, x का मान आ गया हमारा 9 और y का मान आ गया कितना 5 आ गया, ही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए इसको ठीक से, स्पष्ट तरीका से देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़िए। अगर कॉपी लेकर के अभी भी नहीं बैठे होंगे तो कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, बैठे और पास में कलम भी रखे हाथ में ताकि आप स्टडी कर सके। अभी टाइम पास नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का कर लीजिएगा ताकि इसके बाद कभी लगातार वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। खाली नहीं बैठना है, घर पर लगातार स्टडी करते रहना है, आगे बढ़ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, पहले इसको देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस टी, इसको 5 मत पढ़िएगा, है ना, 5 मत पढ़िएगा इसको, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। आइए इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से आप लोग सीख चुके हैं, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कैसे करेंगे, s माइनस टी बराबर क्या है 3, या s बराबर माइनस टी इधर आएगा तो क्या होगा प्लस टी, और इधर प्लस, या पहले 3 को ही रखिए 3 और माइनस टी इधर आएगा तो प्लस टी, यह हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, एस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, आइए प्रतिस्थापित किया जाए, एस का मान हम लोग का क्या निकला है 3 प्लस टी, तो एस के जगह पर हम लोग लिखेंगे 3 प्लस टी ही है ना, और बाई क्या है यहाँ पे 3 है, बाई है 3 और प्लस टी बाई 2 है, तो टी बाई क्या लिखेंगे 2 इक्वल टू 6। चलिए इसका क्या किया जाए, बटा का जोड़ कर लीजिए, 3 2 का लघुत्तम 6, 3 2 ना 6, 2 में 3 से करेंगे 2 3 6 प्लस 3 2 ना 6, 2 में टी से करेंगे तो 2 टी और प्लस 2 3 6, 3 में टी से करेंगे तो 3 टी, देखिएगा प्लस और टी एक जैसा नहीं हो जाए, बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और प्लस 3t और 2t मिलके कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, बाई 6 इक्वल टू क्या 6, इसको बटा में क्या छुपा है 1 छुपा है, 6 प्लस 5t में 1 से गुना करेंगे तो 6 प्लस 5t तिरछा गुना कर रहे हैं ना, और 6 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 5t बराबर 36 और प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6, यानी 5t बराबर 36 में 6 हो गया तो 30, इसलिए टी बराबर हो जाएगा हमारा 30 बटा क्या 5 और 5 6 30 हो जाएगा, यानी टी का मान क्या आ गया 6 आ गया। अब टी का मान क्या करेंगे, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 है हमारा क्या है s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 और प्लस टी, टी का मान कितना है 6 है और 6 में टी 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो अतः s बराबर 9 टी बराबर क्या 6, यही हमारा हो जाएगा आंसर, s बराबर 9 और t बराबर 6। एक बार देखिए इसको स्पष्ट तरीके से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए समीकरण 1 से, 1 से 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 है, या 3x बराबर 3 और माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 जोड़ वाई और बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित कीजिए, आइए किया जाए, 2 है हमारा 9x, तो 9 और इंटू x का मान हमारा क्या 3 प्लस वाई और बटा 3 और माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिए 3 से 9 कट जाए कितना बार में, 3 बार में, 3 3 क्या हो गया 9 प्लस 3y और माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 9। देखिए ना यहाँ पे प्लस 3y माइनस 3y कट जा रहा है, क्या बच जा रहा है 9 बराबर 9। यहाँ पे xy
एक्स वाई का मान जैसे यहाँ समाप्त हो गया, एक्स और वाई में से कुछ बचा ही नहीं, ये वाई का मान कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि इसका हल होगा ही नहीं, इसका इसका एक हल नहीं निकलेगा, एक हल निकल ही नहीं सकता है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखिएगा, इसको चेक कीजिएगा कैसे अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, ध्यान है ना, 1/a2 वाला सूत्र ध्यान है ना, उस सूत्र से भी इसको चेक कर सकते हैं, आपका वैसे ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से, तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x plus 0.3y equal to 1.3 और 0.4x plus 0.5y equal to 2.3। यहाँ पे दशमलव देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बराबर के बाएं और दाएं दोनों साइड दशमलव है, तो बराबर के बाएं और दाएं दोनों साइड दशमलव है, तो हम लोग चाहे तो आसानी से इसको हटा सकते हैं, डायरेक्ट हटा सकते हैं, 2x जोड़ 3y बराबर इधर 13 कर सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग बराबर काम कर देते हैं, तो हम लोग हमने क्या किया, दोनों तरफ से दशमलव को हटा दिया, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1, और इधर 4x और जोड़ 5y बराबर 23, दोनों तरफ से दशमलव हटा दिए, क्वेश्चन हो गया बहुत ही सरल आसान हो गया। आइए अब इधर से समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से दशमलव देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, इसका लंबा सॉल्यूशन करते, ये परेशान करता है क्वेश्चन। समीकरण 1 से 2x जोड़ 3y बराबर 13, या 2x बराबर 13 और प्लस 3y इधर आएगा, तो इतना प्रैक्टिस करो कि माइंड में सेट हो जाए, 13 प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटा हो जाएगा 2, 13 माइनस 3y और बटा क्या हो गया 2 हो गया। x का मान हम लोग क्या करें, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दें, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, आइए प्रतिस्थापित किया जाए, समीकरण 2 हमारा क्या है 4x है, तो 4 इंटू एक्स का मान कितना 13 माइनस 3y और बटा 2 और प्लस से क्या है हमारा 5y बराबर 23, यही है ना 5y। चलिए, ये 2 से 4 कटा सकते हैं दो बार में, चलिए 2 में 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 माइनस 2 किया 6y और प्लस क्या है 5y बराबर क्या 23, यानी माइनस 6y प्लस 5y, माइनस प्लस माइनस, 6y में से 5y घटेगा तो माइनस 1y बराबर है 23 और प्लस 26 इधर आएगा तो माइनस 26, यानी माइनस वाई बराबर 23 में से 26 गया तो माइनस 3, माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर क्या हो गया 3 हो गया, वाई का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब इस वाई के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, हमारा 3 यही है ना, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 है हमारा क्या एक्स बराबर 13 माइनस 3y, y का मान कितना निकला है 3 निकला है और बटा क्या है हमारा 2 है, बटा 2 है, यानी 13 माइनस 3 या 9, 13 में से 9 गया तो 4 बटा 2, 2 से कट जाएगा 4 कितना बार में 2 बार में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, पता है x बराबर ऊपर दशमलव दिख गया था, x बराबर 2 और y बराबर 3, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एक बार फिर से देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, रूट 2x प्लस रूट 3, रूट दिख रहा है ना, नहीं घबराना है, जैसे दशमलव देख के हम लोग नहीं ना घबराए थे, बिल्कुल नहीं, वैसे ही इस रूट वाले को भी देख करके नहीं घबराना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप ले सकते हैं समीकरण 1 लिया जाए, समीकरण 1 से रूट 2x जोड़ रूट 3y बराबर क्या है 0 है, या रूट 2x बराबर प्लस रूट 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 3y, इधर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया माइनस रूट 3y और बटा हो जाएगा रूट 2, बटा क्या हो गया रूट 2 हो गया। चलिए इसी को मान लेते हैं समीकरण 3, x का मान प्रतिस्थापित करें हम लोग, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित स्थापित करने पर, ये करते हैं रूट 3x, तो रूट 3x का मान क्या निकला है माइनस रूट 3y
और बाई क्या रूट टू है ना, बाई रूट टू है और माइनस रूट आठ वाई, माइनस रूट आठ वाई बराबर क्या है जीरो है। चलिए रूट तीन में, रूट तीन से गुणा करेंगे रूट नौ यानी माइनस रूट नौ, रूट नौ का वर्गमूल क्या होता है, रूट नौ का वर्गमूल होता है तीन, यानी हो जाएगा हमारा माइनस तीन वाई और बटा क्या हो जाएगा रूट दो, और ये माइनस रूट आठ वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर प्लस रूट आठ वाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बटा में क्या छुपा है, एक छुपा है। चलिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं, माइनस रूट तीन वाई में एक से गुना करेंगे तो माइनस रूट तीन वाई और बराबर रूट दो में रूट आठ से गुना करेंगे तो रूट सोलह, रूट सोलह का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस तीन नहीं होगा, रूट दो, रूट दो रूट आठ में गुना करेंगे रूट दो से तो रूट सोलह, रूट सोलह का वर्गमूल चार वाई ये हमारा हो जाएगा। चलिए माइनस तीन वाई और प्लस चार वाई इधर आएगा तो माइनस चार वाई बराबर क्या हो जाएगा जीरो, माइनस तीन वाई माइनस चार वाई माइनस सात वाई बराबर जीरो, इसलिए वाई बराबर जीरो और वाई माइनस सात और जीरो माइनस सात से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन है हमारा एक्स बराबर माइनस रूट तीन गुना वाई का मान क्या निकला है जीरो और बटा रूट दो, तो माइनस रूट तीन से जीरो में गुना करेंगे तो जीरो बटा रूट दो और जीरो में रूट दो से भाग करोगे तो जीरो, अतः एक्स बराबर क्या निकला जीरो और वाई बराबर भी क्या है जीरो है। देख लीजिएगा इसको एक बार फिर ध्यान से, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर एक का छ पे चलते हैं, एक का छ है हमारा तीन एक्स बटा दो माइनस पांच वाई बटा तीन बराबर माइनस, तो आइए समीकरण एक लिया जाए, समीकरण एक से समीकरण आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, दो नंबर तीन नंबर क्वेश्चन इसका बाकी है तो तीसरा में पांच छोट हो गया आसपास क्वेश्चन है और दो नंबर एक ठो क्वेश्चन है। समीकरण एक से प्रैक्टिस घर पे ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तीन एक्स बटा दो माइनस पांच वाई बटा तीन बराबर माइनस दो। ठीक है, चलिए इसका बटा का हम लोग क्या कर ले, घटाव कर ले, दो तीन का लघुत्तम छ, दो तिया छ तीन तिया नौ एक्स माइनस तीन दूना छ दो पचे दस वाई बराबर माइनस दो, इसके बटा में क्या छुपा है एक छुपा है। चलिए इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, नौ एक्स माइनस दस वाई में एक से गुना करेंगे तो नौ एक्स माइनस दस वाई बराबर माइनस दो में छ से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बारह हो जाएगा, या नौ एक्स बराबर माइनस दस वाई इधर आएगा तो प्लस दस वाई और माइनस क्या है बारह है, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा दस वाई माइनस बारह बटा क्या हो जाएगा नौवे हो जाएगा हमारा समीकरण तीन। एक्स का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण दो में प्रतिस्थापित हम लोग करेंगे, आइए किया जाए, समीकरण दो है हमारा x बटा तीन, तो x का मान कितना है दस वाई माइनस बारह, एक्स का मान है हमारा दस वाई माइनस बारह और बटा तीन, तो तीन में नौ से क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो तीन नवा क्या हो जाएगा सत्ताईस और प्लस y बटा दो, प्लस y बटा दो बराबर क्या हो जाएगा इधर तेरह बटा छ हो जाएगा। चलिए सत्ताईस दो का लघुत्तम क्या होगा चौवन होगा, सत्ताईस दूना चौवन दो दहा बीस वाई माइनस सत्ताईस दूना चौवन बारह दूना चौबीस प्लस दो सत्ताईसवा चौवन सत्ताईस और सत्ताईस में वाई से गुना करेंगे तो सत्ताईस वाई बराबर हो जाएगा हमारा तेरह बटा छ। चलिए या बीस वाई सत्ताईस वाई, सत्ताईस वाई बीस वाई कितना वाई हो जाएगा सैतालीस वाई और माइनस चौबीस और बटा क्या हो जाएगा चौवन बराबर तेरह बटा क्या हो जाएगा छ हो जाएगा। चलिए इधर इसका काम किया जाए, हम लोग क्या करें इसका तिरछा तिरछी गुना कर ले, तो सैतालीस छक दो सौ बेरासी, सैतालीस छक दो सौ बेरासी या दो सौ बेरासी वाई और माइनस चौबीस छक एक सौ चौवालीस बराबर चौवन तेरह कितना हो जाएगा
752 का 2 हासिल 5, 13×5 75। चलिए ये 282 वाई बराबर इधर माइनस 144 इधर आएगा तो 144 और प्लस इधर क्या है 702 है, यानी 200 यहाँ पे 282 वाई बराबर 144 में 702 जोड़ेंगे तो 846 हो जाएगा, इसलिए वाई बराबर हो जाएगा 846 बटा 282। 282 से कट जाएगा तीन बार में, 282 तिया होता है 846, है ना। वाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 है हमारा, देखिए कितना है 3, 3 हमारा x बराबर 10y, तो y का मान क्या रखना है 3 माइनस 12 बटा क्या हो जाएगा 9, यानी 10 3 30, 30 में से 12 गया तो 18 बटा हो जाएगा 9, 9 से कट जाएगा 18 कितना बार में, दो बार में, है ना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अतः x बराबर कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 2 और y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। देख लीजिए इसका एक बार ठीक से, एक बार फिर से देखिए, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो रहा है लेकिन बहुत कठिन नहीं है, आसान है, मजा आएगा बनाने में। आज के वीडियो में बस इतना ही, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हम लोगों ने कर दिया। घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, वीडियो को अगर शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।